और इस मंदिर को बनने में लगभग लगभग 12 साल लगे हैं। इस मंदिर के अंदर सोने के 25 कलश लगे हुए हैं। स्वागत है एक नई वीडियो के अंदर, और आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको एक ऐसा मंदिर दिखाने वाले हैं जो आपको पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलेगा। जी हाँ, इस मंदिर का नाम है कीर्ति मंदिर। पूरे वर्ल्ड में इकलौता कीर्ति मंदिर है जिस मंदिर के अंदर ये दिखलाया गया है कि जो राधा रानी है अपनी माता जी के गोद के अंदर लेटे हुए इस मंदिर के अंदर दिखाया गया है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको दिखाएंगे शानदार अति सुंदर कीर्ति मंदिर। और मंदिर के अंदर एंटर करते ही मंदिर का नज़ारा कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा। इतना शानदार भव्य मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण जगतगुरु महाराज ने 2006 में स्टार्ट करवा था इस मंदिर का निर्माण, और इस मंदिर को बनने में लगभग लगभग 12 साल लगे हैं। 500 मजदूरों की हेल्प से इस मंदिर को बनवाया गया है। इस मंदिर की खास बात आपको और बताऊं मैं, देखो इस मंदिर के अंदर सोने के 25 कलश लगे हुए हैं, आप देख सकते हो। देखो इतने बड़े बड़े, मैं कैमरामैन को बोलूँगा थोड़ा जूम करे, देखो वो आपको दिखाई दे रूँगा जो कलश, वो सारे के सारे कलश सोने के कलश हैं, आप देख सकते हो। ऐसे ऐसे कलश 25 कलश यहाँ पर लगे हुए हैं। तो आके इस मंदिर को देख के काफ़ी मज़ा लग रहा है, और अगर आप कभी भी बरसाना गांव के अंदर आएँ तो इस मंदिर को ज़रूर देख के जाएँ। जो ये मंदिर है बरसाना गांव के अंदर है, जैसे बरसाना गांव के अंदर आएंगे तो राधा रानी टेम्पल को देखने के बाद जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो रास्ते में ये मंदिर आएगा, कीर्ति माता का मंदिर आएगा। तो आप इस मंदिर को भी ज़रूर देखें। ये मंदिर मथुरा से लगभग लगभग 40 से 45 किलोमीटर डिस्टेंस चलने के ऊपर पड़ता है बरसाना गांव के अंदर। तो दिखाते हैं आपको ये भव्य मंदिर, कीर्ति मंदिर। और जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग के अंदर करवाया था, इस जो मंदिर का निर्माण है जगतगुरु श्री कृपालु जी महाराज ने करवाया था, जो आपके सामने इस फोटो के अंदर इतनी निराली फोटो यहाँ लगा रखी है। देखो ये हैं जगतगुरु श्री कृपालु जी महाराज, और साइड में हैं राधा और कृष्ण जी, और बीच में है कीर्ति माता का मंदिर जो ये आपने देखा। चलिए आपको और अंदर ले चलते इस मंदिर के अंदर। वाकई में कृपालु जी महाराज ने काफ़ी शानदार भव्य मंदिर बना रखा है। आके मतलब ऐसे ऐसे मंदिर ना बहुत कम ही है, ऐसे भव्य शानदार मंदिर। और देखो इतनी सफाई है यहाँ पे, और वहाँ आपको लिए चलते हैं जो भी श्री कृष्ण और राधा की जो रास लीला हैं वो वहाँ पे दिखाई गई हैं, आपको दिखाते हैं। और देखो इन मूर्तियों के द्वारा ये दिखाया गया है जो श्री कृष्ण और जो राधा की जो रास लीला हैं वो सारी दिखाई गई हैं। देख सकते हो जितनी भी गोपियाँ हैं, और वहाँ पेड़ के ऊपर कृष्ण जी महाराज बैठे हैं। इतना शानदार नज़ारा, ऐसा लग रहा है जैसे कि उसी जोन के अंदर मैं चला गया हूँ, और काफ़ी मेरे को मज़ा आने लग रहा है। आगे चलिए आपको दिखाते हैं। देखो गोपियाँ बैठी हुई हैं, और ये कृष्ण जी महाराज हैं, बीच में राधा जी रानी हैं, और काफ़ी अच्छा दृश्य यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको। और आप देख सकते हो जितनी भी गोपियाँ हैं डांस करते हुए यहाँ पर दिखाई गई हैं, और जो श्री कृष्ण महाराज हैं वो मुरली बजाते हुए दिखाए गए हैं। और देखो यार कितना शानदार दृश्य दिखाया गया है, बीच में श्री कृष्ण जी महाराज और राधा रानी हैं, और इसके चारों तरफ जो गोपियां हैं वो डांस करते हुए, मतलब ये जो रास लीला हैं वे ऐसी रास लीला दिखाई गई हैं, इतनी भव्य, मतलब उसके अंदर आप खो जाओगे। उस जोन को अगर आप सोचोगे ना, सोचने भर से ही आपको इतना आनंद आ जाएगा। और पीछे से इस मंदिर को दिखाते हैं, देखो कितना शानदार मंदिर है। वो आपको एक बात और बताऊँ, देखो वो सबसे ऊँचे आपको कलश के साइड में वो जितना लंबा आपको दिखाई दे रहेगा वो थम वो भी सारा के सारा सोने का है। तो इतना सोना लगाया गया इस मंदिर के अंदर, बहुत ही पैसा खर्च किया गया है। और अंदर ना फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, अंदर अगर आप आके देखेंगे ना इस मंदिर को तो मतलब अलग ही लेवल का मंदिर है, अलग ही लेवल की मूर्तियाँ दिखाई गई हैं। आप बाहर से ही उसको थोड़ा देख सकते हो, देखो कैमरे में आई थिंक दिखाई दे रहा होगा। तो जगत कृपालु महाराज की फ़ोटो भी लगाई गई है, राधा कृष्ण की फ़ोटो भी लगाई गई है। तो काफ़ी मनमोहक दृश्य अंदर जाके,
मैं आपको ज़रूर से ज़रूर बोलूँगा, अगर बरसाना आप गांव के अंदर आएँ तो इस मंदिर को ज़रूर से ज़रूर देख के आएँ। अब फिलहाल हम इस मंदिर को अंदर जाके देखेंगे और आपको बताएंगे कि ये अंदर से मंदिर कैसा दिखाई देता है। और हम अंदर मंदिर देख के आए, अंदर से मंदिर का नज़ारा काफ़ी ज़बरदस्त था। जो राधा मैया है अपनी माता के गोद के अंदर, जो कीर्ति माता जी हैं उनकी गोद के अंदर बैठे उनको दिखाया गया है, और नज़ारा काफ़ी अच्छा नज़ारा है। जगत गुरु कृपालु महाराज की भी मूर्ति बनाई गई हैं, श्री कृष्ण की मूर्तियाँ भी लगाई गई हैं, अलग से राधा की मूर्तियाँ भी लगाई गई हैं, और इतना बड़ा झालर दिखाया गया है, मैं आपको क्या बताऊँ, झालर इतना ज़बरदस्त लग रहा है, और अंदर से जो मतलब अलग ही लेवल का है। मैं आपको ज़रूर बोलूँगा, आप ज़रूर से ज़रूर इस मंदिर को ज़रूर देखने के लिए आएँ। तो ये थी आज की वीडियो कीर्ति मंदिर के ऊपर। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।